सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। सर्वशक्तिवान शिवावा, स्नेह का सागर, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है, तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने स्तन द्वारा हमें अपना बनाया है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है। बाबा कहते हैं, पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना, यह दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली। वो सत प्रधान, वो सोतो, दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है जो कह दे तुझे, किस बात का डर है। कहना है जो कह दे तुझे, किस बात का डर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। बाप और दादा मिलकर के बच्चों को समझाते हैं, कभी बाप समझाते हैं, कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि ये शरीर दादा का भी घर है। परमपिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में। जरूर कोई इस समय में उनका यह भारत ही घर होता है, तब तो शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव के बहुत मंदिर हैं, तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में ही उनका आना होता है। पतितों को पावन बनाने की सेवा बाबा करते हैं, रावण की जंजीरों से छुड़ाना बाबा करते हैं, इसलिए उनकी महिमा इतना है। शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। रावण का राज्य भी आधा कल्प चलता है। फिर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। 2500 साल रावण के राज्य चलता है, फिर बाप आते हैं। बाबा कहते हैं, स्वर्ग नर्क यह नाम भी भारत पर ही पड़ा है। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, उनको परिस्थान भी कहा जाता है, तो जरूर बाप से वर्षा मिला है। बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है, उनसे ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है। जो सुख आधा कल्प चलता है, जिसकी गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते हैं। सतयुग को गोल्डन जुबली, त्रेता को सिल्वर जुबली कहते हैं। वो सतो प्रधान, वो सतो, दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता है। नंबर वन है सूर्यवंशी, सेकंड नंबर है चंद्रवंशी। बाप जब इस भारत खंड में आते हैं तो भारत को पावन बनाते हैं, फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कमती होती जाती है। झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था माना तम प्रधान बन जाता है, सब भक्त बन जाते हैं, साधु भी साधना करते हैं बाप को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाने के लिए। आधा कल्प भक्ति करते हैं बाप को पाने के लिए, जब वह समय पूरा होता है तो फिर बाप आता है भक्तों को सुखी बनाने। सतयुग में तो सुख शांति संपत्ति सब है, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, कभी रोते पीटते नहीं।
ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप, उनका नाम भी चाहिए ना। कलयुग में है ही अंधियारा, भक्ति मार्ग की ठोकरी खाते रहते हैं। स्वर्ग में तो दुख की बात होती नहीं, सब सुखी रहते हैं, इसलिए भगवान को पुकारते नहीं। सत्यु को सुखधाम और कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। तुम जानते हो हम सो देवता थे, हम ही जन्म मरण में आते हैं, हम सो देवता क्षत्रिय बनते हैं, 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर शूद्र बनते हैं, शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा की औलाद। बाबा कहते हैं अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है। जबकि बाप स्वर्ग स्थापना करते हैं तो हम क्यों ना नई दुनिया का वारिस बने। अब नई दुनिया पुरानी हो गई है, फिर नई दुनिया कैसे बनेगी? गांधी भी गाते थे ना कि नया राम राज्य नया भारत हो। हम जानते हैं कि अब वो स्थापना हो रहा है। भगते वो कलयुग ब्राह्मण है कुखपन की संतान, हमें ब्रह्मा मुख वंशावली संतान। वो कुख वंशावली, हम मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा तब तो इतने बच्चे पैदा करेंगे ना। तो यह है मुख वंशावली। बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा ने एडप्ट किया है ब्रह्मा मुख द्वारा, तो गोया माता भी हो गई। इसलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, ओ बाबा आपने हमको ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया है। यह भी समझने की बात है ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान से ही सदगति अर्थात दिन होता है, अज्ञान से रात होती है। कलयुग तो रात है ना, इनको भक्ति मार्ग कहा जाता है। शास्त्र सब भक्ति मार्ग हैं, उनसे कोई बाप के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। बाप आते ही हैं कलप कलप, शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर वो आते हैं। उनको अपना शरीर है ही नहीं, लेकिन आते कैसे? ब्रह्मा तन के माध्यम से आकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के, दादा है शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बरसा उस बेहद के बाप से मिलता है। देने वाला वो है, वो तो निराकार है। वो राज्य को अब कैसे सिखलावे? नर से नारायण बनाने के लिए जरूर साकार शरीर चाहिए। तो इस पति तन में आते हैं जिसने 84 जन्म लिए हैं। ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां स्वयं गॉड बेट राजयोग सिखलाते हैं, राजाओं का राजा बनाने। गीता का रचयिता कृष्ण नहीं, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया। जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से, तो गीता का रचयिता कौन हो गए? शिव बाबा। तो बाबा इस धारणाओं में कहते हैं देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है, कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी है। इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग रख स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। बाबा आज वरदान दे रहे हैं अपनी शक्तियां व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चित रहते हैं।
तो आज के मुरली के अनुसार हम सौ मान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा सहज योगी हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हैं, निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है, अनुभव करना है सर्वशक्तिवान बाबा छत्र छाया के रूप में 24 घंटे मेरे मस्तक के ऊपर हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।